ऑल राइट बेटा, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो बहुत सी जो अभी प्रोडक्ट्स हमने पढ़ी, बहुत सी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, पब्लिक एंड गवर्नमेंट फाइनेंस, डेट फाइनेंस भी है। तो ये करते कैसे हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप समझ लें कि गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं, ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं। तो सिमिलरली जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत से रिस्क एसोसिएटेड है। मतलब आप देखें कि फॉरेन करेंसी पाक फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज पहले तो है क्या, आपके मुल्क से निकल के दूसरे किसी भी मुल्क की जो करेंसी होगी दैट विल बी फॉरेन एक्सचेंज फॉर यू। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाक रुपीज इज आवर लोकल करेंसी, और हम पाक रुपीज से हटके किसी भी करेंसी की बात करेंगे, चाहे वो यूएस डॉलर होगा, चाहे वो जापानीज येन हो, चाहे वो चाइनीज युआन हो, चाहे वो यूरो हो, चाहे वो पाउंड हो, एनी अदर करेंसी विच इज नॉट ऑफ योर ऑन कंट्री दैट विल बी द फॉरेन एक्सचेंज। सो जब हम फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। जैसे आज पाकिस्तान एक डॉलर, एक यूएस डॉलर पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 154 के अराउंड है। ये 168 पे भी गया, ये 98 पे भी था, ये उससे पहले 60 रुपये, 68 रुपीज पे भी था। सो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये जो प्लस माइनस है, ये जो वोलेटिलिटी है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज की जाती हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स इसमें भी एक्सपर्ट होते हैं। सो जब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने की, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट करने की, तो एक टर्म हमारे जहन में आती है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। Yeah, so foreign exchange derivatives क्या होते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, हो सकता है आपने कहीं ट्रेजरी ऑपरेशंस में या इससे मिलते जुलते किसी सब्जेक्ट में इनको पढ़ा हो और आपको पहले से पता हो। सो मैं ब्रीफली इसको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो फॉरन एक्सचेंज डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी टू परचेज और सेल सम अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और नॉन फाइनेंशियल एसेट। ये है कॉमन डेफिनेशन नहीं है, जो कॉमन डेफिनेशन आपने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ी होगी वो ये है, डेरिवेटिव जो है वो एक अंडरलाइंग एसेट होता है, या डेरिवेटिव अपने एक अंडरलाइंग एसेट से अपनी वैल्यू ड्राइव करता है। अंडरलाइंग एसेट क्या चीज है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट से डेरिवेटिव अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा है। इट स्टिल सीम्स डिफिकल्ट, हम स्लोली जब इसको पढ़ते हैं तो फिर आपको ये चीज समझ आएगी। डेरिवेटिव की चार टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और एक स्वाप कॉन्ट्रैक्ट है। पहले हम फॉरवर्ड, क्योंकि इजी है तो फॉरवर्ड से मैं, या फ्यूचर और फॉरवर्ड दोनों सेम ही है, इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आपको फिर डेरिवेटिव समझ आएगा कि वो क्या होता है। लेट्स से एक इम्पोर्टर है, वो यूएसए से कोई भी मशीन जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है। जब वो इम्पोर्ट करेगा तो इसका मतलब है कि उसको मशीन मिलेगी एंड ही विल हैव टू पे फॉरेन एक्सचेंज। अगर वो यूएसए से कर रहा है तो उसको यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। नाउ लेट्स से कि आज जो डॉलर रेट है दैट इज 150, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक डॉलर पाक रुपीज में 150 रुपए का है। और अब जो टर्म्स आपस में डिसाइड हुई है, आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट को बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा। सो लेट्स से जो टर्म यू आइडेंटिफाई हुई है, या जो दोनों के दरमियान एग्री हुई है, दैट इज 2 मंथ्स आफ्टर द डिलीवरी। अब क्या होगा कि जब एक्सपोर्टर मशीन को शिप कर देगा, वो पाकिस्तान में पहुंचेगी और उसके 2 माह के बाद इम्पोर्टर ने पे करनी है उसकी जो भी यूएसडी है, या जो भी अमाउंट है, या जो भी पैसे थे यूएस डॉलर्स के अंदर। तो अब सिनेरियो क्या बन रहा है इम्पोर्टर के लिए, कि आज की डेट में एक डॉलर 150 रुपए का है, और 2 माह के बाद जब वो सामान या जो भी मशीन या जो भी चीज इंपोर्ट की गई वो पहुंचेगी, उसके 2 माह के बाद एक्सपोर्टर को
पे किया जाना है यूएसडी या यूएस डॉलर्स, तो इम्पोर्टर को ये डाउट है कि हो सकता है डॉलर जो आजकल कम हुआ हुआ है, जो 150 रुपये का 1 डॉलर मिल रहा है, ये 160 या 165 पे चला जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज आर रिस्क अवेलेबल टू द इम्पोर्टर। रिस्क क्या है कि अगर मैं आज 150 रुपये का डॉलर मिस करता हूँ, तो हो सकता है 2 माह के बाद जब मैंने एक्चुअल में पेमेंट करनी है, जब मुझे यूएस डॉलर चाहिए और जब वो यूएस डॉलर पे करने हैं एक्सपोर्टर को, उस टाइम पे अगर मैं यूएस डॉलर खरीदूंगा तो मुझे 1 डॉलर 150 की बजाय 160 रुपये का मिलेगा। सो अगर वो मिलियंस में पेमेंट है, अगर वो लेट से 1 मिलियन डॉलर भी है, तो अब आप 1 मिलियन को जब 10 रुपीज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 10 मिलियन रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। तो इम्पोर्टर के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो 10 मिलियन का लॉस बेयर करे कि 150 रुपये का आज है, 2 माह के बाद वो 160 रुपये का लेगा, सो ठीक है रिस्क है, हो सकता है 160 से ऊपर भी चला जाए तो वो रिस्क बेयर करे। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो आज ही डॉलर लेके रख ले, ठीक है, सो 150 रुपये का उसको लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये ऊपर चला जाएगा तो वो 150 का ही ले ले। बट उससे क्या होगा, वो आज ही 1 मिलियन डॉलर के पैसे जो है वो ब्लॉक करके बैठ गया, पेमेंट उसने 2 माह बाद करनी है। सो इसका मतलब है कि वो डॉलर्स रख के उसने खरीद लिए हैं, लेकिन उसका यूज तो कोई नहीं है, वो तो 2 माह के बाद पे होने हैं। अभी उसने अपनी बहुत सी 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो किसी बिजनेस में लगा सकता था, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता था, कोई सिक्योरिटी खरीद सकता था, बैंक में रख के इंटरेस्ट ले सकता था, बहुत सारे ऑप्शन जो वो कर सकता था उसने वो फॉरगो कर दिए। सो दैट मीन्स वहां पे भी उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है, वहां पे भी उसको एक अनरियलाइज लॉस तो हो रहा है। द बेस्ट ऑप्शन दैट एन इम्पोर्टर एट दैट मोमेंट कैन हैव इज ही कैन हैव अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो एक ऐसे कंपनी को, इंडिविजुअल को या किसी पार्टी को ढूंढता है जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है। क्या वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आज जो के डॉलर का रेट 150 रुपये है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 माह बाद ये रेट 160 पे चला जाएगा, बट रिमेम्बर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, श्योरिटी नहीं है, हो सकता है वो कम भी हो जाए, बट एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। साउंड जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये महंगा हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेता है, और जो पार्टी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेच रही है वो ये कहती है कि आप आज के दिन मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि 2 माह के बाद जब आपको डॉलर चाहिए आप मुझसे डॉलर 155 रुपये का खरीदेंगे। ठीक है, सो पूरी सिचुएशन को समझे, आज की डेट में जो डॉलर है वो 150 रुपये का है, 2 माह के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 160 पे चला जाएगा, तो आज की डेट में ही बैठ के किसी पार्टी से ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि मैं आपको 2 माह के बाद पेमेंट करूंगा और आपसे जो 1 डॉलर का रेट आज फिक्स हो रहा है दैट विल बी 155। अब क्या हुआ, जो इम्पोर्टर था उसने अपना रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश की, उसने एक कट लगाने की कोशिश की। अब चाहे मार्केट में डॉलर 160 का हो, 165 का हो, या चाहे 200 पे चला जाए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ है उसके मुताबिक इम्पोर्टर को 155 रुपये के हिसाब से ही डॉलर मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ आ गया, यहाँ पे जो एम्बिग्विटी है वो पूछ लें, क्योंकि अगर ये समझ ना आया तो फिर ऑब्वियसली बाकी चीजें भी मुश्किल होंगी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, नो क्वेश्चन। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या हो रहा है, दैट यू आर मिनिमाइजिंग और यू आर मिटिगेटिंग योर रिस्क, कि आज आपने 155 रुपये 155 रुपीज के अकॉर्डिंगली डॉलर को बुक कर लिया, आफ्टर 2 मंथ्स अब आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं हुआ, आपको डॉलर रेट भी फिक्स हो गया, आफ्टर 2 मंथ्स आप जिससे भी आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया था आप उसको 155 के अकॉर्डिंगली, जितने मिलियन डॉलर्स आपने खरीदने थे लेट से 1 मिलियन डॉलर्स, उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके उसको पे करेंगे एंड ही विल प्रोवाइड यू द डॉलर्स। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव। अब आप देखें डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव के अंदर एक टर्म यूज हुई जिसे हमने फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा, कि एक अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि आपने डॉलर को फिक्स कर दिया। अब जितना डॉलर के अंदर वॉलेटैलिटी ज्यादा है, वॉलेटैलिटी का मतलब रिस्क ज्यादा है, डॉलर कभी 160 पे चला जाता है, कभी 140 पे आ जाता है, कभी 145 पे आ जाता है, तो ये है वॉलेटैलिटी। अब डॉलर को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, एक फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, आपको जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही उसकी जो फीस है, जो चार्जेस है, जो प्रीमियम है, जो आपको कमीशन देना पड़ रहा है, जो भी आप उसको फीस समझ लें, वो ज्यादा होती जाएगी। रिस्क कम होगा तो फीस कम होगी, रिस्क ज्यादा होगा तो फीस बढ़ जाएगी। इसको हम कह रहे हैं डेरिवेटिव। कि डेरिवेटिव क्या है, एक अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट से वो अपनी वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा है। रिस्क ज्यादा है तो डेरिवेटिव महंगा होगा, रिस्क कम है तो डेरिवेटिव सस्ता होगा। अब मैं आपको डेरिवेटिव की अगर एक डेफिनेशन पढ़ने को कहूँ, आपका मैं चैट में भी पढ़ता हूँ, एक चीज आई हुई है, ये देखें, अ डेरिवेटिव इज कंसिडर्ड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इन्वेस्टमेंट वाया कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वैल्यू इज ड्राइव्ड और बेस्ड अपॉन दैट ऑफ अनदर एसेट, टिपिकली रेफर टू एज द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, सो अब क्या है कि एक अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक बायर और सेलर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद, ये फॉरेन एक्सचेंज में इतने रेट पे खरीदूंगा, इररिस्पेक्टिव के मार्केट में जो मर्जी रेट हो। ठीक है जी, ओके। आपने शहर क्वेश्चन पूछा है कि अगर डॉलर प्राइस कम हो जाए तो फिर क्या होगा। नाउ दिस इज रिस्क, सम वन पार्टी हैज टू टेक रिस्क, वन पार्टी हैज टू ट्रांसफर और शिफ्ट द रिस्क टू अनदर। अब अगर डॉलर लेट से 155 का कॉन्ट्रैक्ट किया, आज 150 का डॉलर था, 155 रुपये पे आपने 2 माह वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और डॉलर ज्यादा होने के बजाय लेट से 140 पे चला जाता है, अब भी आपको 155 रुपीज ही देने पड़ेंगे। नाउ ऐसे मोमेंट में फिर ऑब्वियसली वो लॉस हो जाएगा। तो जब भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक का यही तो काम है कि वो आपको एडवाइस करे, फाइनेंशियली एडवाइस करे, ओपिनियन दे कि क्या आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितने रेट के ऊपर, या ज्यादा रेट के ऊपर या कम रेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो दिस इज द एक्सपर्टी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक। सो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि यस, डॉलर एक्सपेक्ट तो जरूर किया जा रहा है कि वो ऊपर चला जाएगा, और आप उसी के अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि डॉलर ने ऊपर ही जाना है। इन केस डॉलर नीचे आ जाता है तो ऐसी सूरत में जो इम्पोर्टर है उसको ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा, कि मार्केट में जो चीज 140 रुपए की है उसे अब 155 की ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। ठीक है, सो अगर ऐसा, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसा कोई एम्बिग्विटी है, लगता है कि डॉलर कम भी हो सकता है, तो फिर हम फॉरवर्ड फ्यूचर पे नहीं जाते, फिर इसमें जो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम उस पर जाते हैं। अभी ये क्या है, अभी इसको भी देखते हैं। सो आप जल्दी जल्दी इसको जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है उसको जहन में रखते हुए इसको पढ़ते हैं। अ करेंसी फ्यूचर इज द सेम एज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दैट इट इज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज अ स्टैंडर्डाइज्ड साइज, एक्सपायरी डेट एंड सेटलमेंट टू। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वही है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो पूरी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, दोनों में जो सिर्फ फर्क है वो ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड आइटम है। स्टैंडर्डाइज्ड होने का मतलब, जैसे आप समझते हैं ना रेडीमेड, कि मार्केट के अंदर आपको कपड़े चाहिए, आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, वहां पे रेडीमेड सूट अवेलेबल है, आप वो रेडीमेड सूट, अब उसकी जो भी लेंथ एंड मेजरमेंट है, लेट से वो 40 इंच लॉन्ग है और वो 20 इंच वाइड है, तो अब आपको वही खरीदना पड़ेगा। यही बात है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, लेट से कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है $1,00,000 का 150 रुपये पे, आपको अगर वो समझ आता है तो आप वो फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लें, नहीं आता तो आप उसमें अपनी मर्जी से चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंपोर्टर को पे करने हैं 95 मिलियन, ठीक है, 95 मिलियन डॉलर पे करने हैं, और जो मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है वो $100 मिलियन का अवेलेबल है,
तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा इम्पोर्टर को, या तो वो लेना या फिर वो 100 मिलियन का ही बाय करे, 95 मिलियन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो बाय नहीं कर सकता, क्योंकि वो रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, उसका साइज, उसका टाइम, टाइम भी मतलब 1 माह के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जो ऑप्शंस अवेलेबल है आपको उन्हीं में से चूज करना है। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो पार्टिसिपेंट्स इन करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी हेजर्स सीकिंग टू लॉक इन अ प्राइस टू डिमिनिश द रिस्क ऑफ अ फ्यूचर प्राइस चेंज, और दे कैन बी स्पेकुलेटर्स हु एंटर इनटू ट्रेड सीकिंग पोटेंशियल गेन्स। सो ये वही बात है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या एंटर हो रहे हैं, वो लोग एंटर हो रहे हैं जो अपने रिस्क को हेज करना चाह रहे हैं, मिटिगेट करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं। एक साइड पे वो पार्टी है जो रिस्क कम करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इम्पोर्टर जो मैंने आपको एग्जांपल दी, और दूसरी साइड पे वो लोग जो रिस्क ले रहे हैं, यानी कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, अब आप देखें ना वो भी तो रिस्क ले रहे हैं। अगर 155 रुपए का डॉलर वो आपको कमिट कर रहे हैं कि 2 माह बाद हम देंगे, और डॉलर 160 रुपए का हो जाता है, तो इसका मतलब है वो रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक वो जो रिस्क को शिफ्ट कर रहे हैं और एक वो जो रिस्क को ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है, एक डिटेल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पढ़ाई है, इसको आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली वही है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। द ओनली डिफरेंस इज के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज्ड हो सकते हैं। कस्टमाइज से मतलब कि आप अपनी मर्जी से उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लेट्स से कि मुझे 65 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे 4 दिन के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये आप कस्टमाइज्ड ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो लाइक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ क्वांटिटी ऑफ अ करेंसी एट अ प्री एस्टेब्लिश्ड प्राइस ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन फ्यूचर। ये वही डेफिनेशन है जो फ्यूचर की है। डिफरेंस जो है वो शायद अगली में लिखा होगा। यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन ओवर द काउंटर बेसिस बिटवीन पार्टीज एंड अनलाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दीज आर नॉट रेगुलरली बॉट एंड सोल्ड ऑन एक्सचेंजेस। अच्छा, एक्सचेंज के ऊपर जो बिकते हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिकते हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं। आप देखें ना, जब आप किसी ब्रांड पे जाते हैं तो वहाँ पे जो रेडीमेड ऑप्शन अवेलेबल हैं आप उनको खरीद लेते हैं। दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज। क्या आप एक फैसिलिटी पे गए, वहां पे आपने चीज बनी बनाई जो भी थी, जैसी थी, जिस साइज की थी, वैसे ही खरीदी, दैट इज अगर मैं करेंसी की एग्जांपल लूँ आप समझ लें कि वो एक एक्सचेंज थी। सो दिस इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, कि आप एक कपड़ा अनस्टिच लेते हैं और आप एक टेलर के पास जाते हैं जिसको हम कहते हैं टेलर मेड। आप उसको कहते हैं कि ये साइज इस तरह करना है, यहाँ से प्लस करना है, यहाँ से माइनस करना है। अब आप अपनी मर्जी से चीजों को कर रहे हैं, अब फिर वो एक्सचेंज नहीं है बल्कि वो एक सेपरेट ओवर द काउंटर मार्केट है। ओवर द काउंटर मार्केट में आप अपनी मर्जी से जो भी रेट आइडेंटिफाई करना चाहे, जितने डॉलर करना चाहे, जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ओटीसी या ओवर द काउंटर मार्केट। सो जस्ट इन अ नटशेल आपको बता रहा हूँ, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेम, कि आप आज की डेट में एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद एक सर्टन अमाउंट ऑफ डॉलर्स या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको लॉक कर देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद मैं इस रेट के ऊपर आपसे लूंगा। अब अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड आइटम है तो वो एक्सचेंज पे ट्रेड होगी और उसको हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कस्टमाइज्ड है तो वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होगी बल्कि वो ओवर द काउंटर मार्केट कहलाएगी और वो उसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन के अंदर नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा है कि किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है, बजाय इसके कि आप आज की डेट में बैठ के कोई फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लें कि 2 माह के बाद मैं इस रेट के ऊपर डॉलर खरीदूंगा। वो तो फॉरवर्ड और फ्यूचर हो गया, लॉक हो गया, अब रेट जो मर्जी है, अब आपको वो खरीदना ही खरीदना है। लेकिन जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक बाय ऑप्शन एक सेल ऑप्शन, इसको हम पुट ऑप्शन कहते हैं और कॉल ऑप्शन कहते हैं। अभी सिर्फ ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉल और पुट ऑप्शंस को बाद में देखते हैं।
ऑप्शन से मतलब ये है, वही प्रीवियस एग्जांपल आप ले लें कि मार्केट के अंदर 150 रुपए के हिसाब से 1 डॉलर मिल रहा है, तो आप एक ऑप्शन खरीद लेते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 2 माह के बाद अगर मैं चाहूं तो 155 रुपए का डॉलर आप मुझे देंगे। इसको मैं कहता हूं बाय ऑप्शन, इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। ठीक है, सो कॉल ऑप्शन क्या है या बाय ऑप्शन क्या है कि मैं आज की डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं जिसे मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं, कि मेरे पास ऑप्शन रहेगा कि 2 माह के बाद अगर मैं चाहूं तो 1 डॉलर 155 रुपए के हिसाब से मैं आपसे ले लूंगा। सो मेरे पास ये ऑप्शन है, दूसरी पार्टी की ये ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, मतलब उसके लिए ऑप्शन नहीं है, उसको मैं अगर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करूं तो उसको 155 रुपए के हिसाब से मुझे डॉलर देना पड़ेगा, और अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने किसी को कोई पैसा देना। इसका मतलब है कि ऑप्शन अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो वो ऑप्शन जाया हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो ऑप्शन मुझे दे रहा है उसको क्या फायदा। तो ऑप्शन का कोई प्रीमियम चार्ज किया जाता है, उसका कमीशन, उसकी फीस, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, उसको टेक्निकली प्रीमियम कहते हैं। सो वो प्रीमियम चार्ज करता है और वही उसका रेवेन्यू होता है। ठीक है, सो अगर आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, आपको लगा कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, आपको फायदा हो रहा है, तो ठीक है, आप एक्सरसाइज कर लें, वो तब भी पैसे चार्ज करेगा। और अगर आपने ऑप्शन जस्ट ले लिया और उसको एक्सरसाइज ना किया, यानी कि 2 माह के बाद आपने डॉलर नहीं खरीदे, तो वो फीस आपकी जाया हो गई, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे हम बाय कर सकते हैं वैसे ही सेल भी कर सकते हैं, जब हम सेल करेंगे तो उसको हम पुट ऑप्शन कहते हैं। कि लेट से मैं किसी को ऑप्शन दे रहा हूँ कि मेरे पास से अगर आप चाहें तो डॉलर 160 रुपए के हिसाब से 2 माह के बाद ले सकते हैं। सो इसी तरह पुट ऑप्शन है या सेल ऑप्शन है कि मैं किसी को ये ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर आप चाहें तो 2 माह के बाद मेरे से ये डॉलर ले सकते हैं। सो सर, आई एम सेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज। अब वो बायर पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज करेगा तो मुझे डॉलर देने पड़ेंगे, और अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इसका मतलब है मैंने जो फीस दी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? ओके चले, आप यस सर, अब मे बी देयर वाज सम डिसकनेक्टिविटी, वी हैव रीच्ड टू द टाइम लिमिट, आपकी अगली क्लास भी होगी, सो आई जस्ट वाइंड अप हियर। आपने फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ना है, ऑप्शंस को हम कल की जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें जस्ट थोड़ी सी 3-4 स्लाइड सिर्फ रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे, बाकी सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक क्योंकि लास्ट क्लास है, वो रिक्वेस्ट कि आप सब इसको पढ़ लें, समझ लें, अगर नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो फिर अगले वीक में आपके पेपर्स होंगे, ऑब्वियसली फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी।